हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठे सिबीगंज बरेली में। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि क्लास टेंथ के मैथ का चैप्टर नंबर है 13, स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी, और अभ्यास है यहाँ पर 13.3। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुलक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मोड। क्या होता है ये बहुलक? बहुलक अगर हम अवर्गीकृत आंकड़ों की बात करें तो पहला हमारा यही टॉपिक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। किस तरह से इसको ज्ञात करते हैं? तो बहुत ही इजी है, इसे एम ओ से प्रदर्शित किया जाता है। तो मोड या बहुलक बराबर होता है अधिकतम बारंबारता वाला पद, अधिकतम बारंबारता वाला पद। इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं द टर्म्स विच हैव मोस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर किस तरह से इसको ज्ञात करते हैं, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो कितने विकेट हैं? पहला 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 और 3। ये 10 मैचों में उस गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्याएं दे रखी हैं, और इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसमें हमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा अंक है या पद है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे पहले देखते हैं, जीरो, जीरो एक ही बार आया है। फिर एक, एक भी एक ही बार आया है। इसके बाद दो, दो कितनी बार आया है? एक, दो, तीन, दो आया है तीन बार। तीन कितनी बार आया है? एक और दो बार। और चार आया है एक बार, पांच भी एक बार आया है, और छह भी एक बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? दो। तो यहां पर बहुलक क्या हो जाएगा? दो। बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? दो आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, और आंकड़े हमें दे रखे हैं 110, 110, 130, 140, 130, 140, 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
ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर अधिकतम बारंबारता वाला पद। तो हमें इसमें ढूंढना है कि जो सबसे ज्यादा बार पद प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है। तो 110 देखते हैं, 110 आया है दो बार, बाकी कहीं पर आया नहीं है। 115 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। 115 चार बार आया है, 110 आया था सॉरी दो बार, एक जगह यहां पर था और एक जगह यहां पर था, ये दो बार आया है। फिर 130 कितनी बार आया है, एक, दो, दो बार। और 140 कितनी बार आया है, एक और दो बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, 115 है। तो बहुलक किसका क्या हो जाएगा, 115 है, बहुलक हो जाएगा 115।
15, और यही इसका आंसर भी हो गया। बात करें, ये तो हो गया बहुलक किसका, जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हो। बात करें इसके यूज की, तो ये सबसे ज्यादा कहां यूज होता है, तो बहुलक का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा यूज है। जैसे आए दिनों हम वीडियोस देखते हैं YouTube पर, शॉर्ट वीडियोज या और कोई सी वीडियोज, तो उनमें वही वीडियो सेलेक्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा बार लोगों ने देखी है, मीन्स उसको पसंद किया है। तो जो सबसे ज्यादा वीडियो रन कर रही है, चल रही है, वही वीडियो क्या हो जाती है, बहुलक कहलाएगी। इसी तरह से हम अपनी पर्सनालिटी या जो हमारा फैशन है, वो भी हम वही चूज करते हैं जो हम ज्यादा पसंद करते हैं या आए दिनों चल रहा है। बात करें अगर हम वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक की, तो ये क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अगर हमें आंकड़े वर्गीकृत दे रखे हैं तो उसका बहुलक किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो बहुलक बराबर सूत्र होता है इसका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये क्या है, L होता है जो भी बहुलक वर्ग है, मींस अधिकतम बारंबारता वाला पद है, उस वाले वर्ग की बारंबारता, सॉरी निम्नतम सीमा। और F1 क्या होता है, जो सर्वाधिक बारंबारता वाला बारंबारता दे रखी है, F0 उससे ठीक पहले वाली बारंबारता, और F2 होती है ठीक उसके बाद वाली बारंबारता, F1 के ठीक बाद वाली। और H होता है जिस वर्ग को हमने माना है, चूज किया है, उस वाले वर्ग अंतराल में कितना डिफरेंस है, वो एच होता है। तो आइए इसे एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। तो अभ्यास है हमारी 13.3 और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो जीवन काल हमें दे रखा है, जीवन काल, और किस में दे रखा है, घंटों में, घंटों में कितना दे रखा है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। और इनकी जो बारंबारता है वो भी हमें दे रखी है, कितनी बारंबारता दे रखी है, 0 से 20 वाले की 10, 35, 52, 61, 38 और लास्ट वाली है 29। तो इनमें हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो भी हमें यहां पर बारंबारता दे रखी है उसमें सबसे बड़ा वाला पद कौन सा है, मीन सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता यहां पर है 61, 61 सबसे बड़ा नंबर है इन सभी में, तो यहां पर इसे मान लेते हैं F1। इसके ठीक पहले वाले जो वर्ग है उसकी बारंबारता ये कहलाती है F0, और उसके ठीक बाद वाले जो पद है उसको हम मानते हैं F2। और इस वाले वर्ग में जो सबसे निम्नतम सीमा है इसे हम मानते हैं L,
और जो इनके बीच का अंतर है वो क्या कहलाएगा? h। तो यहां हमें क्या क्या दे रखा है वो सारा लिख लेते हैं। F1 कितना है? 61। F0 कितना है? 52। F2 कितना है? F2 है 38। L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 60। साथ ही साथ H की वैल्यू कितनी है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20। तो हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज हमें क्या करना है इस फार्मूले में रखनी है। L की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस F1 कितना है? 61 माइनस F0 कितना है? 52 अपॉन 2F1। F1 की वैल्यू कितनी है? 61 माइनस F0 कितना है? 52 माइनस F2 की वैल्यू यहां पर 38 है, 38 रख दिया इनटू H कितना है? 20। इसे सॉल्व कर लेंगे। 60 प्लस 61 से 52 माइनस करेंगे तो बचेगा 9 इंटू 20 अपॉन 2 और 61 इनकी गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 122 माइनस। ये दोनों माइनस की वैल्यू है, ऐड हो जाएंगी तो कितना आ जाएगा? ये 90 8 2 0 10 हो गया। 5 और 3 8 और 1 कैरी का 90। तो कितना मिलेगा यहां से? 60 प्लस ये हो गया 9 इंटू 20 अपॉन में कितना बचेगा? 122 से 90 माइनस करेंगे तो बचेगा 32। तो इसे कट कर लेते हैं। कितना यहां पर 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 5 20। तो ये मिल गया 60 प्लस का 9 5 45 / 8। 8 से 45 के लिए भाग दे देते हैं, कितना बार जाएगा? 8 5 40 बचा 5, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, कितना आ जाएगा? 8 5 8 6 48 बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया, 8 2 16 है बचे 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया, 8 5 40। तो मिल गया हमें कितना? 60 प्लस का 5.625 5.625। तो इसे जोड़ लेंगे कितना मिल जाएगा? 60 और 5 65 65.625। और ये हमें क्या दे रखा था? जीवन काल दे रखा था, किसमें? घंटों में। तो ये इतने घंटे और यही बहुलक हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दिखाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहां हमें ये व्यय दे रखा है और साथ ही साथ उन परिवारों की भी संख्या दी गई है। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें इस परिवारों की संख्या में से जो सबसे बड़ा पद है उसे ढूंढना है। तो सबसे बड़ा इनमें 40, ये क्या कहलाएगा? F1। इसे हम F1 मानते हैं। इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 और इसके ठीक बाद वाली बारंबारता को F2। इसे क्रम से माना जाता है 0 1 2। तो यहां पर हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस का F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है? जो भी हमने यहां पर F1 लिया है उस वाले वर्ग की निम्नतम सीमा जो कि है कितना?
1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 अपॉन और 2 गुणा F1 है 40 माइनस F0 है 24 माइनस F2 है 33 गुणे H इनमें अंतर कितना है इनके बीच का 500 का। सॉल्व करेंगे 1500 प्लस 40 में से 24 जाएंगे कितना बचेगा 16 है गुणा 500 ऐसे ही अपॉन में 2 40 की गुणा 80 माइनस इन्हें जोड़ लेंगे 4 और 3 हो गया 7 2 और 3 5 कितना बचेगा 1500 इनकी गुणा कराएंगे 16 पंजे 80 और 2 जीरो हैं 2 जीरो अपॉन 80 में से 57 माइनस करेंगे तो इधर 10 में से 7 गया बचा 3 इधर कितने बचे 7 7 में से 5 गया 2 23 से 8000 के लिए देना है भाग तो 23 से 8000 को भाग देना है कितना बार चला जाएगा 23 तिया 69 इधर बचा कितना 1 और यहां पर 7 में से 6 गया 1 बचा नेक्स्ट ये उतार लिया 0 23 चौके 92 कितना बचा यहां पर 8 इधर रह गया 10 10 में से 9 गया 1 उतार लिया नेक्स्ट वाला 0 कितना बार चला जाएगा लगभग 6 बार तो 6 तिया 18 6 दूनी 12 है और सॉरी 6 तिया 18 हासिल का 1 और 6 दूनी 12 और 1 13 तो अभी और चला जाएगा 7 दूनी 14 है 8 तिया 24 8 दूनी 16 है लगभग 7 बार चला जाएगा 7 तिया 21 हासिल के कितने 2 7 दूनी 14 है 14 है और 2 हासिल के कितने हो गए 16 है कितना बचेगा 19 पॉइंट लगाया आगे कोई जीरो तो रहा नहीं है एक ये हो गया और लास्ट वाला यहां पर नोट हो गया तो पॉइंट लगाया जीरो बढ़ा लिया लगभग कितना बार चला जाएगा यही तो कितना चला हो गया 161 कितना बचेगा इधर से 12 लेंगे इधर हो गया 10 10 से बन गया 9 इधर बचा कितना 8 8 से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 तो अभी एक और बार चला जाएगा 8 बार हो जाएंगे तो 8 तिया 24 8 दूनी 16 है और 2 18 कितना बचा यहां पर 6 बचेगा तो हमें एक और निकाल लेते हैं पॉइंट लगा हुआ है 0 कितना बार जाएगा 23 दूनी 46 कितना बचेगा यहां से 4 और 1 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे कितना 23 चौके 92 23 पंजे तो 5 तिया 15 5 दूनी 10 मीन्स जो भी है ये 5 से 5 या 5 से ज्यादा रहेगा हमें 2 अंकों तक निकालना है तो क्या करेंगे जब ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो इस वाले नंबर में 1 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1500 ऐसा का ऐसा ही और ये 347.8 और 3 उधर 5 या जो भी नंबर रहा होगा उसे छोड़ दिया तो इन्हें ऐड करने पर क्या मिलेगा 0.83 ऐसा का ऐसा ही और ये 077 044 और 35 कितने हो गए 8 और ये इतना तो ये मिल गया हमें 1847.83 और ये हमें किस में दे रखा था व्यय रुपए में तो इतने रुपए ये रुपए खर्चा या व्यय ज्ञात हो गया और यही था बहुलक आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद।